तो स्वागत है भाई सभी का नए दिन नए ब्लॉग में। आई होप कल का ब्लॉग देखा होगा और मजा भी आया होगा जिसमें हम सेंट पीटर्स चर्च गए थे। वो लोग ब्लॉग अगर नहीं देखा तो जाके देख सकते हो भाई। और अभी इस वक्त 8 बजे का समय हो रहा है, बढ़िया भाई। शाम का मौसम हो रहा है, पीछे क्लाउडी दिख रहा है और हम सोच रहे हैं कि हमने ज्यूरिख की अलग अलग जगह दिखाने का ट्राई किया है। दिन में गए हैं, कभी शाम के वक्त गए हैं। आज सोच रहे हैं कि सनसेट के समय और रात के समय जो ज्यूरिख शहर है वो कैसा दिखता है, वो भी चल के देखते हैं और ट्राई करते हैं दिखाने का। तो अभी तो सबसे पहले भाई अपना ट्रैम ले लेते। देखो भाई, पहले तो रोड क्रॉस कर लेते हैं और सामने हमारे ये लाउबेग ट्रैम स्टेशन है, तो यहाँ से हम ट्रैम लेंगे अपनी पहली। और वैसे भाई आज संडे का दिन है और अभी 8:02 के आसपास का समय हो रहा है, तब 7:59 हो रहा था, तो ऑलमोस्ट 8 ही बज रहे थे। तो ये देखो भाई, हमारी जो पहली ट्रैम नंबर 13 है वो भी आ चुकी है, इसी से ही चलना है हमें। तो भाई चलते हैं इसके अंदर। चलो भाई, खुल चुकी है और पीछे चल के बैठते हैं ताकि थोड़ा व्यू भी दिखा पाएं। देखो बढ़िया ऐसे सीट बनी हुई है भाई पीछे भी अपनी, और बढ़िया आके बैठ गए। देख सकते हैं भाई क्या खूबसूरत शहर का नज़ारा एकदम मौसम होता हुआ दिखता हुआ जाते जाते। और बताया जाए तो भाई आज 8:43 के आसपास का सनसेट दिखा रहा है, तो ट्राई करेंगे हमारे साथ देखते रहोगे तो वो मंजर भी दिखाने का और फिर रात के समय शहर की लाइटें कैसी दिखती है वो भी दिखाने का। तो देखो भाई, ऐसे अलग अलग स्टॉप्स आते रहते हैं और हमें अभी ना बानोफ्स्ट्रासा जाना है। तो बानोफ्स्ट्रासा वही है जहाँ पे अपना हॉप बानोफ है। ट्राई करेंगे कभी हॉप बानोफ के बारे में भी बताने का या ब्लॉग बनाने का। अभी तो हमें खैर वहाँ पहुँचना ही है, तो थोड़ा झलक वहाँ का भी दिखाएंगे। ये देखो हमारी ट्रैम नंबर 13 जिसमें हम बैठे हैं वो जाते हुए भी दिखती हुई। और देखो चलते चलते ऐसे भाई पूरे शहर का भी नज़ारा आता हुआ। और अगर हमारे पिछले ब्लॉग देखे होंगे तो ये वाला स्टॉप याद होगा। ये देखो भाई अपना पराडे प्लांट्स वाला ट्रैम स्टॉप कह सकते हैं भाई। अभी हम बानोफ्स्ट्रासा में तो आ चुके हैं, तो हमारा स्टॉप भी आ चुका है, तो भाई अब उतरने का समय भी आ ही गया है। चलो भाई यहाँ से बाहर की ओर, ये देखो अपना यहाँ हम बानोफ्स्ट्रासा स्टॉप पे तो पहुँच गए। और अब अगर यहाँ का थोड़ा नज़ारा दिखाया जाए तो देखो भाई ट्रैम नंबर 13 रुकी हुई थी, वो भी आगे आगे जा रही है। सामने ही हमारा ना हॉप बानोफ है ये जो दिख रहा है भाई। तो अगर उसमें जाना है तो भाई यहाँ पे ऐसे एस्केलेटर है नीचे जाने के लिए, हम तो यहाँ से राइट टर्न ले लेंगे। तो देखो यही देखते देखते भाई अब यहाँ से अपन चलते हैं आगे की ओर। भाई यहाँ पे मैकडी भी दिखता है और हम थोड़ा सामने जा रहे हैं, अभी पता लगेगा क्यों। तो यहाँ आगे आते ही ना भाई अपना एक ब्रिज है जहाँ से जो अपनी रिवर है ना उसका व्यू दिखता है। तो भाई यहाँ से हम आए और यहाँ आगे जाते ही ये देखो राइट साइड में अपनी जो लीमाट रिवर है वो पूरी दिखती हुई, जिसके बारे में हमने लेक ज्यूरिख वाले ब्लॉग में भी बात करी है कि भाई यहाँ आते ही इसका नाम लीमाट रिवर हो जाता है। क्या इन्फॉर्मेशन है वो ब्लॉग जाके देख ही सकते हो। अभी तो ये व्यू देखो भाई यहाँ से जो पूरा यहाँ पे आर्किटेक्चर शहर का दिखता हुआ, और चर्च भी दिख सकते हैं वो देखो सामने भाई। यहाँ का व्यू देखो भाई मस्त, प्लेन उड़ता दिखता हुआ। और थोड़ा अगर यहाँ दिखाया जाए तो यहाँ सामने जो होटल है यहाँ के, या अगर रेस्टोरेंट्स कह सकते हैं, वो भी दिखते हुए अलग अलग ट्रैम्स आती जाती दिखती हुई, और सामने क्योंकि ट्रैम स्टेशन भी है। और भाई 8:41 का समय हो रहा है, जैसा बताया 8:43 का सनसेट का टाइम दिखाई रहा था, तो भाई बढ़िया लाइटें भी थोड़ी थोड़ी चालू हो चुकी हैं और हम अपना जो रिवर है उसके बगल बगल से चलते जा रहे हैं। और इस समय देखो भाई ये व्यू आता हुआ यहाँ जो हम चलते जा रहे हैं, बीच में से ब्रिज भी बना हुआ है। तो चलते हैं भाई और जरा दिखाते हैं बीच में से भी। तो देखो भाई अपना ब्रिज पे तो हम आ चुके हैं, ऐसे बीच में कर्व भी दिख सकता है, लोग भी फोटो खिंचाते दिख ही सकते हैं भाई। और यहाँ का नज़ारा देखो भाई, जो अभी हम थोड़ा रोटेट करके घुमाते हैं, उस वाले ब्रिज से हम आए थे भाई यहाँ पूरा घूम के। और फिर यहाँ पे देखो भाई हमारे सामने जो पूरा व्यू आता हुआ शहर का। और यहाँ पे भाई एक इंटरेस्टिंग चीज़ पता है क्या है, ये देखो लॉक्स लगाए हुए हैं भाई लोगों ने अपने, शायद कुछ मन्नतें बांध रखी है या लव लॉक्स है भाई। तो बढ़िया है, अपनी लाइटें भी चालू हो ही चुकी हैं। और यहाँ से थोड़ा अगर व्यू देखा जाए तो देखो भाई पूरा पानी में जो इतना खूबसूरत रिफ्लेक्शन शहर का आता हुआ। तो भाई यहाँ से और आगे चलते हैं और दिखाते जाते हैं। तो देखो वहाँ पे हम खड़े थे, और यहाँ आगे जाते जाओगे ना तो ऐसे बीच बीच में अलग अलग ब्रिज भी दिख सकते हैं भाई। और हमारे लेफ्ट साइड में यहाँ अलग अलग शोरूम्स कैफेज या रेस्टोरेंट्स कह सकते हैं वो भी दिखते हुए। तो चल चल के भाई हम अपना दूसरे ब्रिज तक तो पहुँच चुके हैं, जरा इसमें भी चलते हैं उस पार। यहाँ एक रेड लाइट भी है तो इसे क्रॉस करेंगे पहले भाई। तब तक ये देखो भाई यहाँ सामने भी आई थिंक एक चर्च है जिसमें चर्च क्लॉक भी दिख सकती है थोड़ी सी झलक। तो ग्रीन तो हुई भाई, यहाँ हम पहुँच भी चुके हैं। ये देखो अलग अलग प्रकार के जो घर हैं अपार्टमेंट से ये भी दिखते हुए। और यहाँ से और आगे चलते हैं और थोड़ा घुमा के भी दिखाते जाते हैं। तो देखो भाई यहाँ कुछ लोग बाहर भी बैठे हुए हैं, खान पान का आनंद तो उठा ही रहे हैं। और यहाँ पे रुडोल्फ ब्रुन ब्रुक, तो ये ब्रिज के नाम पे स्टॉप भी है। और हमारे सामने ना भाई ये देखो वो लिंडोफ हिल का पॉइंट भी भाई
दिखता हुआ, आई थिंक कुछ लोग वहाँ बैठे भी हुए हैं। और बगल में ही वो देखो अपना सेंट पीटर्स किर्च चर्च जिसमें हम कल गए थे, और एग्जैक्ट 9 बज रहे, तो भाई घंटियों की भी अब आवाज़ सुनाई दे रही है। ये देखो भाई यहाँ लिखा हुआ है ज्यूरिक लिमाट के, और यहाँ पे भी जाके बैठ सकते हैं, खड़े हो सकते हैं थोड़ी देर, ये नज़ारा देख सकते हैं जो इतना खूबसूरत लग रहा है। और इधर देखो भाई क्या शानदार गाड़ी खड़ी हुई है यार। और यहाँ से जैसे थोड़ा आगे आएंगे ना, तो यहाँ देखो ऐसे भाई यहाँ सामने देखो बेंचेस भी बना रखी है। मस्त पॉइंट है कि यहाँ पे भाई रिवर के बगल में बैठ जाओ थोड़ी देर बैठना है तो। और सामने देखो क्या मस्त भाई, थोड़ी थोड़ी लाइट भी जलती दिख सकती है अपने पीटर्स किर्चो में। तो चलते हैं भाई जरा और आगे। तो यहाँ पे भी एक ओपन कैफे दिखता हुआ, लोग भी इंजॉय करते हुए और हम भी आगे आगे जाते हुए। और ये भाई यहाँ का राट हाउस है, देखो सामने लिखा भी हुआ है। और यहाँ से जैसे ही हम आगे आएंगे, ये तो ट्रैम नंबर 4 जाती दिख सकती है राइट साइड में ही ना। देखो भाई यहाँ बीच में प्लाजा टाइप का कह सकते हैं प्लाजा जो है, जिससे पीटर्स किर्चो का व्यू और सही आता हुआ। ये देखो हमारे जस्ट सामने भाई क्लॉक भी दिखती हुई। तो देखो भाई सामने लेफ्ट साइड में एक और चर्च दिखता हुआ, यहाँ पे भी कुछ लोग फोटो खिंचाते दिखते हुए। और थोड़ा अगर यहाँ भी रोटेट करा जाए कैमरा, तो ये भाई कैंटोन पुलिसशाही भी दिखता हुआ सामने। तो यहाँ और आगे चल के एक्सप्लोर करते हैं भाई जरा। ये देखो भाई यहाँ पे भी अलग अलग शोरूम्स दिखते हुए। हालांकि ये जो एरिया है ना, ये भाई ओल्ड सिटी में आता है कह सकते हैं, क्योंकि यहीं पे ही हम आगे आए थे, अभी याद आ जाएगा थोड़े समय में। ये देखो दिन के समय जब हमें भाई स्विट्जरलैंड के झंडे भी लगे दिखे थे गली में, अभी हम और आगे यहाँ से जाएंगे तो वो गली आ जाती है भाई, जिससे कि हम ऊपर जाते हैं लिंडॉर्फ हिल के लिए। ये देखो भाई यहाँ पे थोड़ी चढ़ाई तो है वैसे ऊपर की ओर, और यहाँ घूमते ही ना भाई ये देखो बीच में क्लॉक दिखती हुई अपने पीटर्स चर्च की, सेंट पीटर्स चर्च जहाँ हम कल गए थे। ये देखो भाई ये गली में हम ऊपर जाते हैं अपना लिंडॉर्फ हिल की तरफ। थोड़ा सुनसान तो है वैसे, तो फाइनली हम ऊपर तो पहुंच गए। थोड़ा आगे चलते हैं भाई नज़ारा देखने के लिए और दिखाने के लिए भी। तो ये देखो भाई यहाँ आगे जाते ही मस्त पूरे शहर का व्यू आता दिख सकता है। और अपनी ये जो नीचे रिवर भी है भाई, थोड़ा रोटेट करके दिखाते हैं ये देखो। और आई थिंक वो सामने ना अपना ग्रॉस म्यूनस्टर चर्च भी है भाई, कितना खूबसूरत लग रहा है भाई ये नज़ारा। देखो पूरा पहाड़ का व्यू, इसमें जो घर अलग अलग बसे हुए हैं, आई थिंक ETH ज्यूरिख भी दिखता है हमारे सामने जो है, तो बहुत ही अद्भुत नज़ारा भाई ये। और ये देखो सामने भाई ट्रैम भी जाती दिख सकती है, मस्त। तो चलते हैं भाई अब यहाँ से अपना वापस नीचे की ओर। तो मज़ा तो आ गया भाई व्यू पॉइंट पे जाके अपना जो लिंडॉर्फ हिल है, और वहाँ से व्यू पूरा देख के हमारा ज्यूरिख का ओल्ड सिटी वाला व्लॉग भी देख सकते हो। उसमें हम दिन के आसपास गए थे, तो वो वाला नज़ारा भी भाई डिफरेंट था, अलग खूबसूरत ही था। और ऐसे नीचे जाते जा रहे हैं तो देखो यहाँ पे भी स्विट्जरलैंड के झंडे दोनों तरफ लगे देख सकते हैं, और हमारे सामने भी भाई ये पूरा जैसा बताया ज्यूरिख का ओल्ड सिटी का एरिया है ही। और अलग अलग प्रकार के शोरूम्स भी दोनों साइड दिख ही सकते हैं। तो यहाँ से बाहर की ओर चलते हैं, और ये देखो लेफ्ट साइड में अपना ये प्लाज आ जाता है जिससे अभी हम आए थे। और हमारे सामने देखो वो भाई, थोड़ा जूम इन करके दिखाते हैं अपना ग्रॉस म्यूनस्टर चर्च भी। तो हमारे सामने भाई देखो एक ब्रिज है, कितनी खूबसूरत लाइट लगी हुई है, इस पे भी चलते हैं जरा आगे। तो अपनी जो जर्नी है वो आगे कंटिन्यू करते ही है। ये देखो यहाँ से राइट टर्न ले चुके हैं, और अपने बगल में यहाँ पे देखो ट्रैम की लाइन भी दिखती हुई। और यहाँ से निकलते ही भाई देखो क्या मस्त एकदम अद्भुत व्यू आता हुआ, इतना सुंदर लग रहा है भाई इस समय, ये रात के वक्त में जिस प्रकार से रिफ्लेक्शन पूरा आता हुआ भाई। ये जो सामने होटल बना रखा है, उसके पीछे जो अपना ये चर्च है जिसका चर्च क्लॉक फेस यूरोप में लार्जेस्ट है। तो बढ़िया भाई ऐसे चलते जाओ और एक्सप्लोर करते जाओ। ये देखो यहाँ पे भी एक ओपन रेस्टोरेंट दिखता, और उसके पीछे यहाँ अपना ग्रॉस म्यूनस्टर चर्च भी दिखता हुआ। और अब सामने वाले ब्रिज पे चलते हैं भाई। यहाँ पे देखो भाई ऐसे नीचे जाने के लिए भी एक रैंप बना रखा है, पर हम आगे चलते हैं। चल चल के जैसे हम करीब जाते जा रहे हैं, और विशाल का ये चर्च भी लगता जा रहा है। हालांकि हमें यहाँ से राइट लेना है, और हम ऑलमोस्ट यहाँ पे पहुँच गए हैं। ये देखो भाई अपने ब्रिज पे, आई थिंक ये जो सामने चर्च है ये फ्राउ म्यूनस्टर चर्च है। और क्या खूबसूरती आती हुई भाई, देखो पूरे शहर की रात के वक्त इस तरफ जिस प्रकार से यहाँ लाइटें जली हुई हैं, स्ट्रीट की अलग अलग रेस्टोरेंट या होटल से भी लाइटें आ रही हैं। और ये देखो सामने भाई इतना मस्त, फिर से कहूँगा रिफ्लेक्शन आता हुआ। और हमारी बाईं तरफ ना ये देखो भाई सामने जाएंगे ना तो बुर्कली प्लाज भी अपना आ ही जाएगा वहाँ पे। तो जरा यहाँ आगे चलते चलते वहाँ की ओर भी चलते हैं। आगे से हमें भाई लेफ्ट लेना है वैसे सीधा जाने के लिए। ये देखो अपना फ्राउ म्यूनस्टर चर्च भी देखते देखते रोड क्रॉस कर लेते हैं, और सीधा सीधा यहाँ से जाते हैं भाई। ये देखो चलते चलते थोड़ा सामने से भाई म्यूजिक का आवाज भी आ रहा है, तो चल के देखते हैं क्या सिस्टम है। अच्छा यहाँ से आवाज आ रही है, लगता है भाई यहाँ पे कोई पार्टी चल रही है। और भाई मानना पड़ेगा ये जो शहर की अलग अलग बिल्डिंग्स का जो आर्किटेक्चर बन रखा है ना भाई, बहुत ही शानदार बन रखा है। यहाँ देखो सामने भी मस्त जगमगाती लाइटें
दिखती हुई, आई थिंक कोई कैफे है यहाँ, शायद हम भी थोड़े थोड़े दिख रहे हो भाई, चलते हुए थोड़ा अंधेरा हो रहा है, जितनी लाइट आ रही है उसमें देख रहे हैं। और ये देखो भाई यहाँ पे बोट्स भी ऐसे खड़ी दिख सकती है अपने, हम इस ब्रिज तक तो पहुंच गए हैं और बस थोड़ा सा और आगे जाएंगे अपना, यहाँ से जैसे रोड क्रॉस करेंगे ना सामने अपना लेक ज्यूरिख भी आ जाएगा। देखो यहाँ से भाई यहाँ खड़े हुए हैं और राइट साइड में अपना एक ट्रैम स्टेशन भी दिख सकता है, बुर्कली प्लाट्स। चलो भाई ग्रीन लाइट हो गई, चलते हैं। तो देखो भाई क्रॉस करके तो हम आ गए हैं, और याद होगा जब हम लेक ज्यूरिख का झलक देखने आए थे सुबह या दिन के वक्त, भाई यहीं आए थे। और ये देखो भाई यहाँ से अब पूरा लेक का नज़ारा भी दिखेगा, थोड़ा सा आगे जाते हैं, ये जो रैम बना हुआ है यहाँ पे भी हम गए थे उस वक्त। ये देखो भाई मस्त पूरी यहाँ पे अपनी लेक ज्यूरिख जो है वो दिखती हुई, यहाँ लाइटें भी दिख सकती हैं भाई, जो शहर बसा हुआ है साइड में, और सामने अपना फाउंटेन भी दिखता हुआ। तो अच्छा है भाई ये जो पूरा चक्कर काट के हम आए हैं। अरे ये देखो भाई यहाँ ये पंछी भी दिखते हुए, और ये देखो भाई हमारे सामने वही रैंप पे जिसपे खड़े होके हमने थोड़ा लेक ज्यूरिख के बारे में बात करी थी, और थोड़ा यहाँ से राइट की तरफ देखा जाए तो यहीं से हमने अपनी क्रूज राइड शुरू करी थी। भाई सामने देखो वो टिकट काउंटर भी दिखता हुआ, और ये देखो भाई जैसे हमने बताया सामने यहाँ बुर्कली प्लाट्स भी लिखा हुआ, और यहीं से अब हम रोड क्रॉस करते हैं। तो अपने ट्रैम स्टेशन पे तो हम आ चुके हैं भाई, जरा क्रॉस कर लेते हैं, हमें इस साइड से ट्रैम लेनी है अपनी। ये देखो यहाँ पे अलग अलग ट्रैम नंबर्स भी लिखे हुए हैं, और अपना भाई वापसी का सफर भी शुरू करते हैं। और यहाँ सामने भाई देखो बढ़िया म्यूजिक और डांस भी चलता हुआ, तो पहले हमें यहाँ से 8 नंबर ट्रैम लेनी है और फिर 13 नंबर ट्रैम लेनी है। ये देखो भाई 8 नंबर तो आ चुकी है, चलते हैं इसमें। तो अंदर तो आ चुके हैं भाई, और हम अपना पराडे प्लस तो पहुंच गए हैं, यहीं दूसरी तरफ से भाई अपनी 13 नंबर जो ट्रैम है वो लेंगे। देखो यहाँ का थोड़ा व्यू, और यहाँ से सीधा सीधा अपन गए थे शाम को बानोस्टा सा अपना, और अपनी भाई ट्रैम नंबर 13 भी पधार चुकी है, और हम अपना भाई ट्रैम में हैं वापस जा ही रहे हैं। तो आई होप हमारे साथ आज का पूरा ब्लॉग देख के मज़ा आया होगा, ट्राई करें कि शाम के वक्त और रात के वक्त ज्यूरिख कैसा दिखता है, चलते हैं देखते हैं और दिखाते हैं, चाहे अलग अलग आर्किटेक्चरल बिल्डिंग्स हो, चाहे वो लैंड ऑफ पॉइंट हो, और भाई चाहे अलग अलग ब्रिज से व्यू हो, रिफ्लेक्शन जो शहर का इतना मस्त आता हुआ। और एक चीज़ भाई, एक रैंडम शख्स मिले थे जो फोटोग्राफर लग रहे थे, मतलब वो अपनी हॉबी के लिए कर रहे थे और फोटोज़ ले रहे थे, तो उन्होंने ही भाई जो थंबनेल में फ़ोटो लगी है ना वो मेरी ली है, तो भाई उन्हीं का ही शुक्रिया अदा करते हैं। और सबका शुक्रिया अदा करते हुए आज के ब्लॉग का अंत और समापन करते हैं। बाकी तो पता ही है, लाइक कमेंट शेयर सब्सक्राइब कर दो, ज़्यादा टाइम लगता नहीं। बाय बाय, चाओ चाओ, नमस्ते। चलो नए दिन नए ब्लॉग में मिलते हैं, और अलग अलग प्लेलिस्ट में जाके अपने इंटरेस्ट के हिसाब से वीडियोज़ देख ही सकते हैं।